Implications of nationalism. So, in this session, we are going to discuss the topic of implications of nationalism because nationalism affects every aspect of political conduct in a nation, beginning with the very manner in which political reality is constructed and embedded in various institutions. So, such nationalistic tendencies. Of population in a specific territory shapes their political systems and ideologies as socialist democracies in Soviet Union and China, and then in liberal democracies like UK, US, they try to manage their democracies. And even we can say that nationalism is basically the feeling which actually gives us. सेविक सेंस टू इट्स मेंबर्स, टू इट्स पीपल और जहाँ जहाँ भी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल हो रही है दुनिया में जहाँ जहाँ भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठ रही है उसमें बेसिकली यही सेंस काम करती है कि किसी तरीके से लोगों को जो उनके हकूक़ हैं जो उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो मुहैया हो जाएँ चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी निज़ाम हो चाहे वो चाइना के अंदर है चाहे वो यूके या यूएस के अंदर है लिबरल डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में इवन वो निज़ाम जो अथॉरिटेरियन है जो आज भी दुनिया में हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर वहाँ भी लोगों के अंदर जो फीलिंग ऑफ़ नेशनलिज़म है उसकी इम्प्लिकेशनस के कॉन्टेक्ट में जो बात इवेलट करने वाली है कि फीलिंग ऑफ़ नेशनलिज़म लोगों को क्या चीज़ देती है लोगों को एक सेंस देती है सेंस ऑफ अवेयरनेस करिएट होती है इसके अंदर और अपने हकूक के बारे में एक आगही जो है वो इससे मिलती है सो ऑल दो इन इंडिविजुलस्टिक नेशनलिज़म पॉपुलर सॉवरिटी एग्रीगेट लिबर्टी और फ्री इंडिविजुअल्स हर जगह पर ऐसे ही होता है कि जब लोग अपने लिए इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ अपने लिए कुछ डिमांड करते हैं यानी अगर सिस्टम के अंदर आप और मैं हम अपने लिए कोई डिमांड कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से अपनी स्टेट से तो वो तब तक तो एक्सेप्टेबल होगी स्टेट के लिए भी या गवर्नमेंट के लिए अगर वो फीलिंग किसी दूसरे के लिए नुकसान देना हो यानी नेशनलिज्म की फीलिंग में अगर मेरी डिमांड किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है तो रियासत उसको टैकल करने की एफर्ट जो है वो करेगी लेकिन अगर ऐसी ऐसी कोशिश जो है वो नुकसान देगी दूसरे ग्रुप को तो ज़ाहिर है स्टेट मेरी डिमांड को बॉडर नहीं करेगी सो वी कैन से दैट द इंडिविजुअलिस्टिक नेशंस ट्रीट देयर मेंबर्स नेशनल्स और सिटीजन एज इक्वल स्पेसिफिकली इन देयर लिबर्टी देयर कैपेसिटी एंड राइट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड पोलिटिकल पार्टिसपेशन एंड देयर फॉर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगे सो वी कैन से दैट एवरी पोलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द पोलिटिकल स्ट्रक्चर इट ट्रीट इट्स एक्ली इट ट्राइज टू ट्रीट इट सटीज़न्क्ली यानि सब लोगों को बराबर के हकूक़ जो हैं वो सिस्टम मुहैया करने की कोशिश जो है वो करता है लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि क्या सिस्टम के पास इतनी कपेसिटी है कि सारे लोग उससे मुतमईन हो जाए अब सिस्टम की जो एफर्ट की फ़ेज़ है अगर वहाँ पर कुछ लोगों को एतराज हों या कुछ लोग उस पर एतराज़ा करने शुरू कर दें तो उस स्टेज पर मुश्किल हो जाती है रियासत के लिए सारे लोगों को मुतमिन करना ऐसे ही जो कलेक्टिव नेशंस होती हैं दे आर इक्वल ओनली इन दैट दे इक्वली शेयर द इसेंशियल नेचर ऑफ देयर नेशन अब कुछ जगहों पर ऐसा भी हमें नज़र आता है कि जहाँ पर सिस्टम के अंदर ये तरीक़ार मौजूद होता है कि वो लोगों को मजमू तौर पर उनके मसाइल के लिए हमत अमली या प्लानिंग करता है और फिर उसी तरीके से लोगों की जो पोलिटिकल पार्टिसपेशन है उसकी बेस पर उनके डिमांड्स को ट्रीट किया जाता है यानी कलेक्टिवली जो एग्रीगेटेड डिमांड्स होंगी जो कॉमन डिमांड सिस्टम तक कम्यूनिकेट होंगी सिस्टम उनको क्लेक्टिवली ही डील करने के लिए प्लानिंग या हमत अमली जो है वो बनाता है तो हम ये समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं उनमें अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बेस पर हमने इवेलुएट करना हो इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनलिज़म तो कुछ सिस्टम इंडिविजुअल्स को ज़्यादा कैटर करते हैं लेकिन कुछ सिस्टम्स लोगों को इवेलुएट करते हैं उनकी मजमू सूरत के कॉन्टेक्स में और इसी तरीके से इम्प्लीकेशनस वेरी करती हैं फ्राम सिस्टम टू सिस्टम एंड ऑन द बेसिस ऑफ द capacity of the system.